परमार्थ की, परमार्थ की। रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की। Once again, welcome on Tea Talk, ए बुन सोच की ट्रेन ऑफ थॉट्स कॉमेंट्री जो महाभारत पर डॉक्टर सतीश मोद के थ्रू जो हम टारगेट ऑडियंस तक ला रहे हैं। डॉक्टर सतीश मोद ने महाभारत में बचपन से रुचि रखी थी, उन्होंने कई किताबें पढ़ी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी कॉमेंट्री महाभारत पर की है। एंड इज एन ऑथर ऑफ एन बेस्ट सेलिंग बुक डिस्कवर दी अर्जुना एंड यू। सर आपका स्वागत है फिर से। और इनफैक्ट लास्ट एपिसोड में हमने गंगा की कहानी सुनी थी, अभी हम उसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो शांतनु ने गंगा से पूछा कि ऐसा इन वसुओं ने क्या पाप किया था कि जिससे उनको ऐसा श्राप मिला कि वो मनुष्य जन्म लेंगे और फिर आप उनकी उनकी हत्या करेंगे और उनको उनकी मुक्ति होगी। तो गंगा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाती हूँ। बोले, वरुण के पुत्र वशिष्ठ थे, उनका आश्रम जो है वो मेरु पर्वत के पीछे था, बहुत बड़ा आश्रम था। और उस आश्रम की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि उसमें कामधेनु गाय थी। अभी ये कामधेनु गाय कौन सी है, जब अमृत मंथन हुआ था और उसमें से कामधेनु गाय का भी अवतरण हुआ था, ये कामधेनु गाय जो है यह आपके सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय होती है। यह गाय बहुत ही दुर्लभ है, ऐसी तो और कहीं गाय आपको कहीं मिलेगी नहीं जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरी कर सके। तो वशिष्ठ मुनि क्या करते थे कि उनको चरने के लिए दिन भर जंगल में छोड़ दिया करते थे और शाम को कामधेनु अपने आप आश्रम में आ जाया करती थी। एक समय ऐसा हुआ कि बहुत सारे वसु, एक द्यो करके वसु के नेतृत्व में जो कि उनका लीडर था, उनके नेतृत्व में उस जंगल में वन विहार करने के लिए आए। तो सारे वसु और उनकी पत्नियां जंगल में घूम रहे थे, हंस खेल रहे थे, फल फूल खा रहे थे, आनंद में थे। अचानक एक वसु की पत्नी को वो गाय दिखाई दी, कामधेनु, बहुत ही दिव्य गाय। तो उसके मन में आया कि ये गाय यदि मुझको मिल जाए तो मैं, मेरी एक सहेली है जीतवती, उसको मैं एक गाय दे दूंगी तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा। तो उसके मन में विचार आया, तो पत्नी क्या करेगी, उसने अपने पति से कहा, द्यो से, कि मेरे मन में ऐसा विचार आया, ये गाय है, इसको हम ले लेते हैं और मैं अपनी सहेली को दान कर दूंगी। तो सारे वसु ने विचार किया, उन्होंने कहा इसमें क्या है, तो गाय जंगल में ऐसे ही अकेले घूम रही है, इसका तो कोई मालिक आसपास है नहीं। तो उन सब ने कामधेनु का अपहरण कर लिया और उसको वहाँ से ले गए। अभी शाम को गाय कामधेनु वापस, कामधेनु का नाम नंदिनी था, तो नंदिनी गाय शाम को वापस आश्रम में आई नहीं। तो वशिष्ठ जो हैं बहुत चिंता में पड़ गए, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो उसको ढूंढने के लिए निकले, नंदिनी नंदिनी करके आवाज़ देते हुए, कहाँ मिलेगी वो। उन्होंने कहा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो उन्होंने अपनी ध्यान लगाया और देखा कि क्या हुआ होगा। तो उनको ध्यान में ये दिखाई दिया कि नंदिनी को ये सारे वसु अपहरण करके ले गए हैं। तो उन्होंने, महाभारत में तो श्राप देते हैं किसी ने गलती की, तो यहाँ वशिष्ठ मुनि ने सारे वसुओं को श्राप दिया कि तुम सारे देव हो, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि ग्रहण करके इस धरती पर आओगे और यहाँ के सारे सुख दुख भोगोगे। और वो श्राप दे करके अपने आश्रम में आ गए। अभी सारे वसुओं को श्राप मालूम चला तो वो घबरा गए, उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, वो नंदिनी को लेकर के आए, नंदिनी तो वापस कर दी। और वशिष्ठ मुनि से कहा कि ये तो ऐसा हो गया, अभी तो गलती हो गई हमसे, अभी क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सभी लोग क्षमा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन मनुष्य योनि में जब तुम जन्म लोगे तो तुम सभी का उपकार इकट्ठे नहीं होगा, हर वर्ष एक एक वसु जो है उसका उपकार होगा। तो अभी ये उनको
कंसेशन तो मिल गया वशिष्ठ मुनि से, लेकिन इसका फल कैसे होगा? तो उसी समय गंगा जो है वो वहाँ ब्रह्मा जी के आश्रम से आ रही थी, जहाँ पर कि वो एपिसोड हो गया था महाभीष का। तो गंगा से वो मिले तो गंगा ने कहा कि ठीक है, मुझको भी ज़मीन पर आना है और वो महाभीष को भी ज़मीन पर आना है, और हमारे जो बच्चे होंगे वो वसु तुम रूप में आना और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगी। तो ऐसा करके वो वसु जो है उनका जन्म हुआ मनुष्य के बच्चों के तौर पर। तो ऐसा गंगा यहाँ पर शांतनु को कहानी बता रही है कि इसके लिए यहाँ ज़मीन के ऊपर मेरी और तुम्हारी शादी हुई, और मैंने वसुओं को यह वचन दिया था कि जब तुम्हारा जन्म होगा तो मैं तुम्हारी हत्या करके तुमको पुनर अपने देवलोक में भेज दूंगी। ऐसा करते हुए सात बच्चे जो हैं वो वसु तो चले गए, आठवां वसु जो था जो उनका लीडर था ध्यो, उसने तो लीड लिया था ये सब करने के लिए, तो उसको इस ज़मीन पर ज़्यादा समय रहना पड़ेगा। वो गंगा पुत्र देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा, और ये मैं भी अपने साथ लेकर के जा रही हूँ, और वो देवव्रत को भी अपने साथ लेकर के चली गई और अदृश्य हो गई। फिर गंगा ने देवव्रत को परशुराम को सौंपा, परशुराम ने देवव्रत को सारी धनुर्विद्या सिखाई, धर्मशास्त्र सिखाए, शास्त्रों का अर्थशास्त्र का पारंगत बनाया। तो एक बार शांतनु गंगा किनारे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक वीर बालक को देखा जो बहुत ही धनुर्विद्या में बहुत चतुर था और बहुत ही तेजस्वी था। तो उसके पास गए, पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं गंगा पुत्र देवव्रत हूँ। तब तक माँ गंगा भी वहाँ पर आ गई और उन्होंने कहा कि ये आपका पुत्र देवव्रत ही है, इसको आप ले जा करके अपने साथ ले जाइए और ये आगे जा करके आपके साथ में रहेगा और आपका कुल आगे बढ़ाएगा। लेकिन हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। ये शांतनु महाराज जो है फिर एक बार जंगल में घूम रहे थे और वहाँ उनको सत्यवती दिखाई दे गई और उनका दिल सत्यवती पर आ गया। तो सत्यवती ने कहा कि मैं तो आपसे विवाह नहीं कर सकती बिना अपने पिता से पूछे। तो वो पिता के पास गए तो वो मल्लाह था। मल्लाह ने कहा कि आप तो राजा हैं, यदि आप मुझे ऐसा वचन देते हैं कि इस सत्यवती का जो पुत्र होगा वही आपके उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि मुझे पता है आपका एक बड़ा बेटा है वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप यदि सत्यवती से विवाह करें तो इसका बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो शांतनु ने कहा कि चलो इसमें क्या बड़ी बात है, ये भी मैं बोल देता हूँ कि हाँ उसका बेटा ही होगा। लेकिन मल्लाह ने और एक कंडीशन रख दी, उसने कहा कि समझो भविष्य में आपके बेटे ने शादी की और उसका पुत्र हुआ और आगे बहुत सारे झगड़े होंगे, तो ये तो नहीं चलेगा, आप अपने बेटे से कहिए कि वो शादी ना करे। अब ये दूसरी तो शर्त बहुत कठिन थी, वो तो शांतनु नहीं मान सकते थे। वो अपने राज्य में आए, दरबारियों से पूछा और बड़ी चिंता में बैठे रहने लगे। तो जब देवव्रत को पता चला कि मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं और चिंता में रहते हैं, तो उनके पास गया और पूछा कि आपके दुख का क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी और सत्यवती से मुझे विवाह करना था, लेकिन उन्होंने तो ये बड़ी कंडीशन रख दी है। तो देवव्रत ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं चलता हूँ आपके साथ में। और जाकर के उस मल्लाह के पास में गए और उसको कहा कि मैं वचन देता हूँ कि मैं भविष्य में कभी विवाह नहीं करूँगा। तो मल्लाह ने कहा कि ठीक है विवाह नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आपकी संतान तो हो सकती है ना, तो इससे मुझको क्या असर पड़ता है, मेरी तो बेटी फिर भी असुरक्षित है। तो वहाँ पर देवव्रत ने जिसको जिसका हम भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और कभी भी मेरी कोई आगे की संतान नहीं होगी। और इतनी अखंड भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म हुआ और सत्यवती के और शांतनु के आगे पुत्र हुए, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में आपको बताया था वो कहानी और आगे। नमस्कार सर, आपने जिस तरह से कहानी चल रही है, आई एम श्योर जो हमारे जो दर्शक रहेंगे ना इसमें सुनने में इतना रुचि रखेंगे, हम कोशिश करेंगे उनके पास जो भी वीडियोस है पॉडकास्ट है उसके जरिए उनके हिसाब में कहानी पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।